सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। देर इज़ अ बिल्डर कॉल्ड माहिरा, जिनके अफोर्डेबल हाउसिंग्स हैं ऑल ओवर गुड़गांव, और काफ़ी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग्स हैं, जिसमें से एक है सेक्टर 103 में, ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। नेचुरल सी बात है कि आपने उनके केसेस भी सुने होंगे न्यूज़पेपर में, कि उन्होंने चीटिंग की है, बैंक नकली बैंक गारंटी दी है, कई सारे मतलब पॉलिसीज में मतलब ओवरलैप्स करके इन्होंने, भाई साहब ने प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं किए, तो लोगों ने अथॉरिटी को कंप्लेन किया। नेचुरल सी बात है, बायर या घर नहीं मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपके, उन्होंने टाइमलिंग पेमेंट प्लान के हिसाब से 87% से लेकर 100% तक पेमेंट उन्होंने ले रखी है। ठीक है, तो बेसिकली होम बायर तो होम बायर है। कंप्लेन करने के लिए गए हैं DTCP के पास, जो हर अथॉरिटी है एक्चुअली, जो सारा कुछ देखती है एक्चुअली, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री एंड टाउन प्लानिंग के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से पूछा है, और इसमें एक लास्ट ED से भी पूछा एक्चुअली। ठीक है, सो बेसिकली यही था कि वो बेचारे कंप्लेन करने गए, वो आंसर मांग रहे थे कि यार हमें कुछ आंसर दे दो, यार हमें हमारा प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू हो रहा, क्या गलतियां हुई हैं, ये वो कर करके, तो उसको इग्नोर किया जा रहा था। जैसे नहीं होता है, भाग भाग ऐसे ऐसे करके, आपको पता ही है गवर्नमेंट अथॉरिटी का क्या रवैया होता है बायर्स के लिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े हैं एक्चुअल में। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी 100 बायर्स ने मिलकर। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो आंसर मांगा है ना, अगर उस आंसर का रियली जवाब दे दिया इन्होंने, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट है, इनको देना पड़ेगा आंसर, पर दे दिया ना, आपको मैं बता नहीं सकता कि सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा एक्चुअल में। सो बेसिकली देखो, सबको वैसे पता है कि यार इन्होंने क्या क्या कर रखा है एक्चुअल में। ये सोच रहे थे कि इनको इग्नोर करें, अब इनको पूरे के पूरे हरियाणा में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबके आंसर्स देने पड़ेंगे। सो ये अभी तो जो भी इनसे मांगा है अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड मांगा है, पर अगर आप गुड़गांव में होम बायर हैं, स्पेशली हरियाणा में होम बायर हैं, या ऑल ओवर इंडिया है, देखो क्योंकि कहना कि धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट्स बढ़ती जाएगी तो सबके पोल खुलते जाएंगे एक्चुअल में। सो आप इस चीज़ को फॉलो जरूर करना, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, ये क्वेश्चन के आंसर्स बहुत जरूरी है, इसलिए मैं स्पेशली इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, कि मतलब ये हर किसी के फायदे की चीज़ है, हर अथॉरिटी को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए एक्चुअल में। सो मैं धीरे धीरे करके खोलता हूँ और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो गाइज, फाइनली मैं आता हूँ ऑर्डर्स पे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये आप देख सकते हो पिटीशन नितिन लाली एंड अदर्स। मैंने इनसे पर्सनली बात की थी, तो इन्होंने कहा कि 100 होम बायर्स का इन्होंने पिटीशन फाइल किया है, सो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो पिटीशनर्स की आप डिटेल भी देख सकते हो, ये सारे एडवोकेट्स जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, रिस्पॉन्डेंट्स हो गए। अब मुझे नहीं पता इनके तरफ से होंगे वाली बात एग्जैक्टली। सो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि भाई, एफिडेविट जो एच रेरा ने फाइल किया था एंड स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड बाई डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ED, वी हैव गॉन थ्रू शॉर्ट एफिडेविट फाइल्ड बाई, मतलब इसके जवाब में बेसिकली क्या हुआ था, पहले इन्होंने पिटीशन फाइल किया होगा, इसके जवाब में इन्होंने कोई एफिडेविट दिया होगा कोर्ट को, जब तक जो हमारे प्लाइट ऑफ पिटिशनर्स है, क्योंकि पिटिशनर्स तो होम बायर्स हो गए, उनका जब तक दुख एड्रेस करने से पहले, 103 सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है उसके पिटिशनर्स का दुख एड्रेस करने से पहले, हम चाहते हैं कि आप हमारे कुछ क्वेश्चन से उसका आंसर करो, एंड दिस इज रिलेटेड टू द इंटायर हरियाणा। तो आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा टास्क है, और इससे सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपको बता दूँ, आपको ये भी बता दूँ, बहुत सारे ऐसे, देखो मैं फ्रैंक बात बता रहा हूँ कि कई बार सोचने में दुख भी होता है, बट हम लोग सिटीजन, हमारा काम है टाइम टू टाइम आवाज़ उठाना। कहीं या कहीं आप देखना कि जब दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस निकलेंगे जहां डेवलपर और अथॉरिटी के लोगों ने मिलकर मतलब कुछ ऐसा कबाड़ किया है, जिस कारण से प्रोजेक्ट्स ट्रबल में आए हैं, और आज उनका प्लाइट आप देख सकते हो। तो इसको अकाउंट, मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहते हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पे कोई एक्शन नहीं होता, पूरी हरियाणा गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया गया है। सो एक तो सबसे पहले इनको जवाब देना है कि भाई, पूरे हरियाणा में आपने लास्ट 10 साल में कितने अफोर्डेबल हाउसिंग्स लॉन्च किए हैं, इंक्लूडिंग NCR रीजन में। तो NCR में, हरियाणा में अगर आप बात करोगे तो गुड़गांव आता है, फरीदाबाद आता है, पंचकूला आता है, सोनीपत आता है। अगर मैं कोई सिटी मिस कर गया तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है, मे बी और भी कुछ सिटीज़ आती होंगी, पर ये सारी मेजर सिटीज़ है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ आपने जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग्स लास्ट 10 साल में लॉन्च की है, उसकी सारी की सारी डिटेल आप दो, जो भी मतलब लाइसेंसेस आपने ग्रांट किया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि उन्होंने पूछा है, देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ों में ना मैं कन्फ्यूज भी एक्चुअली, क्योंकि देखो मैं भी ना जब तक इसका फुल डिटेलिंग नहीं पढ़ूंगा मुझे पता नहीं, पर जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से आपको बताऊंगा। देखो एटलीस्ट आपको इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा एक्चुअल में। दूसरी चीज़ है, व्हाट वॉज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोजेक्ट एट द टाइम वेन दे वर लॉन्च्ड। ठीक है, सो बेसिकली इसमें ना दो तरीका होता है, जब भी आप प्रोजेक्ट का लाइसेंस देते हो एक्चुअली, तो डेवलपर ना उसमें सारा एस्टिमेशन देता है कि इस प्रोजेक्ट में इतना खर्चा आएगा एक्चुअली। सो या तो इसमें ये एस्टिमेशन है, या फिर एक प्रोजेक्ट का टोटल वैल्यूएशन होता है, कि सपोज मान लो डेवलपर कहता है मैं 4,000 रुपये फुट में बेचूंगा, सो उस 4,000 रुपये फुट में
इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कितनी होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वो एस्टिमेशन कॉस्ट होगा कि प्रोजेक्ट बनने में कितना कॉस्ट आता है एक्चुअली उस वक्त, क्योंकि डेवलपर ना अगर आप एरिया में देखोगे तो कंप्लीट फाइल करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में मेरा इतना खर्चा है, ऐसे वैसे जो भी चीज़ें सारी चीज़ें करते हैं। सो आपसे हर प्रोजेक्ट का मांगा है, मतलब ये इतना बड़ा रिपोर्ट है ना कि आपको जब ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा होगा पर इसे ना काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और ये चीज़ें अगर आपने अफोर्डेबल में नहीं भी लिया हुआ या ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी लिया हुआ तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ देखने को आएगी। और मुझे लगता है कि देखो ये ना इस पे बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी भी खुलेगी एक्चुअल में, ठीक है। तीसरी चीज है कि वॉज देयर एनी ट्राई पार्टिट एग्रीमेंट बिटवीन बिल्डर कम डेवलपर्स। यहां पर कोई भी डेवलपर जो अफोर्डेबल हाउसिंग्स में है, होम बायर्स एंड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देखो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब भी आप लोन लेते हो तो आपको एक ट्राई पार्टिट एग्रीमेंट साइन करनी पड़ती है। ट्राई पार्टिट का मतलब हो गया तीन पार्टी के बीच में, बैंक, बिल्डर एंड होम बायर। अब नेचुरल से बात है कि जो ट्राई पार्टिट एग्रीमेंट है वो डिसाइड, जो फॉर्मेट डिसाइड होता है वो बैंक और बिल्डर डिसाइड करते हैं, होम बायर तो बेचारा शांति से साइन कर देता है। सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं DTCP से कि यार उसके कुछ सेलेंट फीचर्स थे, तो बेसिकली ये वो गाइडलाइंस होंगी कि इन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ एक सर्टेन पॉइंट्स दिया था कि जो प्रोटेक्ट करे होम बायर के इंटरेस्ट को इन फ्यूचर। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उसको ट्राई पार्टिट एग्रीमेंट को देखोगे तो बैंक तो सीधा कहते हैं कि भैया कल को अगर बिल्डर डिफॉल्ट कर जाए तो भाई आपको तो पैसे देने, हमें कोई लेना देना नहीं एक्चुअली। सपोज मान लो बींग अ बायर आप भी कहोगे सारा तुम बैंक अचार डाल रहे थे कि तुम क्यों नहीं चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, और तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े लॉयर के डिपार्टमेंट्स होते, सब कुछ होते हैं, या प्रोजेक्ट अगर वैल्यूएबल नहीं था तो आपने क्यों फंडिंग की, हमें क्यों फंडिंग कराई एक्चुअली। तो बैंक भी कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअली। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि उसके साइलेंट फीचर्स क्या थे एक्चुअल में। तीसरी चीज़ है कि यार जो भी प्रोजेक्ट्स आपने अप्रूव किया था DTCP ने, लाइसेंसेस बेसिकली दिए होंगे, तो भैया जो ओरिजिनल ड्राइंग है क्या आपने अप्रूव किया था कि नहीं किया था। तो यहाँ ये भी बातें चल रही कि भाई कि प्रोजेक्ट पहले रेरा में आ गया, सब कुछ आ गया, बाद में अप्रूवल, मतलब जो प्रोजेक्ट का जो नक्शा वक्शा वो अप्रूव करें, तो इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं एक्चुअली। सो बेसिकल ये मांग रहे हैं कि ओरिजिनल आपने किया था कि नहीं किया था, और अगर आपने किया था, पहले तो ये चैलेंज चल रहा है कि किया था कि नहीं किया था, इसमें भी पता लग जाएगा। देखो इसमें ऐसे भी हो सकता है कुछ पोल पट्टी खुल जाए कि भाई साहब पता लगे कि अप्रूवल प्रोसेस से ही नहीं गए, नक्शे वक्शे के, और रेरा दे दिया या लाइसेंस दे दिया एक्चुअली। अगर दिया है तो हाउ मेनी टाइम्स अ लाइसेंस ऑफ द अप्रूव्ड ड्राइंग बीन अमेंडेड, मॉडिफाइड, सब्स्टिट्यूटेड, रिप्लेस्ड आफ्टर सच अप्रूवल। बेसिकली ये एक तो ये है कि क्या किया कि नहीं किया, नहीं तो दूसरी चीज़ है कि यार रेरा लेते वक्त आपने बस एक तुक्के में जो मन में ड्राइंग बना लिया, बाद में आपने इसको कितनी बार अमेंड किया, मॉडिफाई किया, सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस किया, ये चीज़ें हैं। तो उसका डिटेल मांग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बार गलती होंगी चीज़ें, पर बेसिकली यहाँ चेक करने की चीज़ें कि मतलब कितनी बार गलतियाँ होने के चांसेस है एक्चुअल में, कि यार कितनी बार। देखो बेसिकल हमारा कोर्ट का ये पता लगेगा जब वो सबमिट करेंगे तो मलाइन इंटेंशंस कहाँ कहाँ थे, कि मतलब अथॉरिटी के द्वारा। जब मैं अथॉरिटी बोलता तो डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं बोलता, कुछ पर्सनल जो ऐसे लोग हैं एक्चुअली, हर कोई ऐसा नहीं होता। बट देखो नेचुरल सी बात है कि आप इंडिया में बैठे हो, कोई राम राज्य में तो बैठे नहीं हो, या कोई मतलब ऐसी जगह तो बैठे नहीं हो कि मतलब हर बंदा ईमानदार है, यहाँ पर हर बंदा पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो अल्टीमेटली फंसते जो लोग हैं। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैज बीन कंप्लीटेड सो फार, ठीक है, कितने अभी तक जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग्स लॉन्च हुई है या जिसके भी लाइसेंस है उसमें से कितने प्रोजेक्ट्स आज तक कंप्लीट हो गए हैं, कितने लोगों को एक्चुअल पोजेशन मिल चुका है आज तक का, कि मतलब सपोज मान लो कि 50,000 अफोर्डेबल हाउसिंग के लाइसेंसेस दिए थे आपने, मतलब फ्लैट्स की बात करूँ मैं, नंबर ऑफ कितने लोगों को डिलीवरी मिल गई, कितने लोगों को फिजिकल पोजेशन मिल गया उस यूनिट का, तो ये सारी चीज़ों का रिपोर्ट देना उनको। सिक्स्थ इज व्हाट इज द डेडिकेटेड मशीनरी सेटअप फॉर द स्टेट टू मॉनिटर पीरियोडिकल प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, फर्स्ट to test the quality of the construction and to determine the cost ratio with the quality of total area of the construction. ये point थोड़ा important है, इसमें दो तीन चीज़ें आती है। एक तो basical क्या होता है कि affordable में क्योंकि मतलब government इट्स अ PPP model, तो इसमें ये भी होता है कि मतलब आप basical जो periodical, जैसे सपोज मान लो सही वक्त पे अगर सारी ऑडिटिंग हो रही होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि लोग 80-90% या 100% तक पेमेंट देके बैठे और प्रोजेक्ट पे 30-40% खर्च हुए। सो बेसिकल वो सारे एक जगह रिपोर्ट मांग रहे हैं कि पीरियोडिकल प्रोग्रेस ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, कि मतलब आपने ऐसा क्या, आपने मैकेनिज्म क्या बना रखा था एक्चुअल में। सो एक तो होता है ना कि यार क्या एक होता है ना कि बिकॉज ये इतने बड़े स्केल पे आप काम कर रहे हो तो यू हैव सम SOPs, क्या तरीका है क्या, तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म इनसे मांगा गया है, कैसे डिसाइड करते हो। तो ये जो रिपोर्ट आएगा ना ये सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश करूँगा एज ए ले लैंग्वेज में आप सबके लिए ईजी कर दूँ एंड, ठीक है। और टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ऐसा ना हो कि पता लगे बिल्डर सीमेंट में बालू की जगह बालू में सीमेंट मिला रहा हो, आटे में नमक की जगह नमक में आटा मिला रहा हो, तो ये चीज़ है कि बिकॉज सेफ्टी सिक्योरिटी से भी रिलेटेड, और एक बेसिक जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होनी चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने उस टेस्ट क्वालिटी को किया कि नहीं किया, आपने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट रेशियो विद क्वालिटी ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन को इवेल्युएट किया कि नहीं किया। अब इसमें ना दो तीन चीज़ें आती है एक्चुअली।
एक तो सपोज बाय द वे मेरा कहना है कि कल को बिल्डर एक लाइसेंस लेना चाहता है, ठीक है, अब आपको पता लगता है कि उस रेट पे वो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती, या उन्होंने सपोज एक कॉस्ट दिया होगा कि इतने में मैं बना दूंगा प्रोजेक्ट को. सो आपने वो चीज़ों का एक डिटर्मिनेशन हो गया. दूसरी चीज़ हो गई कि कल को हो सकता है कि बिल्डर ने सपोज मान लो इतने पैसे निकाल लिए, अब जो बचे हुए पैसे क्या उससे क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो सकती नहीं हो सकती, मे बी देयर कैन बी डिफरेंट वर्जन एक्चुअली टू डिफरेंट थिंग्स, ये चीज़ें हैं फॉर एग्जाम्पल. तो ये सारी बातें हो सकती है कि मतलब ये पॉइंट है, आप समझना बात को, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बिल्डर को जो ऊपरी कमाई बहुत होती है अफोर्डेबल हाउसिंग्स में, तो ये कैसे क्या होती है देखो मैं वीडियो में नहीं बता सकता, बट आपको सबको पता है कि मैनेजमेंट कोटा गुड़गांव में कैसे बिकता है. अगर बाय द वे सेवंथ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस वेयर द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स प्रमोटर कंपनीज आर फाउंड डेफिशिएंट, व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट देम. बेसिकल क्या था कि आपने जब चेक किया होगा, जब जैसे ऑडिटिंग होती है हर कुछ मंथ्स में, 6 मंथ्स में बेसिकली ऑडिटिंग होती है, जहां आपको जेन्युइनली पता लगा कि यार इनके पास जो पैसे बचे हुए हैं वहां पर कुछ डेफिशिएंसी है, कि यार ये प्रोजेक्ट तो बन ही नहीं सकता या क्वालिटी नहीं बन सकता, अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए आपने क्या किया. क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है, जब जेन्युइन प्रॉब्लम्स आती है अगर इसको टाइम पे पकड़ लिया जाए तो सही है, नहीं तो क्या होता है ना कि सरकार एक्चुअली इतना डिले कर देती है इसलिए प्रॉब्लम्स इतना ज्यादा बढ़ जाती है एक्चुअली. तो इस पे टाइम पे कितना एक्शन लिया आपने, नहीं लिया, उस पे भी बात हो रही है. सपोज जब बिल्डर आपसे 90% पेमेंट लेके सिर्फ 40% खर्च करके प्रोजेक्ट से निकल गया बाहर, देखो ऐसा तो है नहीं, ऑडिटिंग तो आप कर ही रहे थे, तो बिल्डर कैसे करके चला गया, तो उसके सारे के सारे वो चाहिए वाली बात. एग्जैक्टली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में. देखो ये मैं हो सकता है आप अपनी तरह से इंटरप्रेट कर लेना चीज़ों को, बट गवर्नमेंट ना मॉनिटरिंग करती है बेसिकली. अगर कोई बिल्डर ऐसा काम कर रहा है आज के डेट में आफ्टर रह रहा, तो ये समझ के चलो कि ऑफिशियल्स को मतलब या तो उनका नेग्लिजेंस है कि उन्होंने वो ढंग से देख नहीं रहे, या फिर मतलब एक होता है ना कि हर चीज़ों को मतलब अनदेखा किया जा रहा है एक्चुअली बाई सम ऑफ द ऑफिशियल्स. तो ये क्यों हुआ कैसे हुआ, तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. वॉट वॉज द ओरिजिनल प्राइस 8 में, वॉट वॉज द ओरिजिनल प्राइस वेन द अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड, एंड वॉट इज द अलॉटमेंट प्राइस दैट हैज़ बिन चार्ज फ्रॉम होम बायर ऑन द कम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. तो बेसिकली इसमें हमको थोड़ा डिस्क्रिपेंसी, इसलिए मेरे को ये पॉइंट समझने में थोड़ा इशू क्यों आ रहा है कि जनरली गुड़गांव में तो ये सिस्टम होता है कि एक ही या अफोर्डेबल हाउसिंग्स में एक ही रेट्स होता है फ्रॉम फ्रंट टू एंड. बेसिकली इसमें बात हो रही है कि प्राइस एंड में आपको कितना लगा, तो इस पर मुझे समझना पड़ेगा ऐसे क्या. अभी मैं क्लियर नहीं हूँ कि किसी बिल्डर ने ऐसा नहीं किया कि यहाँ पर बुकिंग के वक्त कुछ और रेट पे बेचा, फर्दर क्या बेचा, ऐसा हो सकता है मे बी, या तो कई बार यूनिट्स वो कुछ यूनिट अलॉटमेंट में बाद में निकालते होंगे, तो ऐसा मे बी कुछ प्रोजेक्ट्स में हुआ हो जो इनिशियली 4,000 में बिका हो, बाद में रेट 5,000 हो गए तो 5,000 में बिका हो या 4,500 में बिका हो, तो ऐसा क्या हुआ. या फिर इसमें ये हो सकता है कि कल को बिल्डर ने क्या कुछ सपोज मान लो बुकिंग करते वक्त आपको बोला होगा इतने टोटल कॉस्ट रहेगी चार्जेस, ये नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में तो पहले बहुत होता था एक्चुअली कि कंप्लीशन के वक्त आपसे क्या एक्स्ट्रा चार्ज कर ले. तो आई डोंट नो, इसमें बेसिकली अगर आपके पास ऐसा कोई केस है तो बता सकते हो एक्चुअल में, ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू द 9 पॉइंट, व्हाट इज द करंट रिवाइज अलॉटमेंट प्राइस बीइंग चार्ज टू द अलॉटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स. ओके, सो इसमें बेसिकली दो इंटरप्रिटेशन हो सकती है. कई बार प्रोजेक्ट आपका इनकम्प्लीट है, बीइंग चार्ज टू द अलॉटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम्प्लीट, जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट का बेसिकली ये मतलब हो गया होगा शायद जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स, स्ट्रक अप वर्ड में भी यूज हो सकते हैं. व्हाट इज द करंट रिवाइज्ड अलॉटमेंट प्राइस बीइंग चार्ज्ड टू द अलॉटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट. सो ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है कि मतलब कैसे क्या चीज़ है, पर फिर भी मैं थोड़ा वो कर सकता हूँ. इसमें बेसिकली दो तीन चीज़ें आ सकती कि क्या पता कोई प्रोजेक्ट स्ट्रकअप हो, गवर्नमेंट उसको रिवाइव करने के लिए मे बी दे आर चार्जिंग सम एक्स्ट्रा, कुछ एस्केलेशन चार्ज कर रही हो, एक तो ये जरिया हो सकता है समझने का. दूसरा ये जरिया हो सकता है कि जितने भी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर वो अभी क्या मतलब करंट अलॉटमेंट प्राइस चार्ज कर रही है एग्जैक्टली, कि मतलब बिड डेवलपर्स द्वारा क्या रेट फिक्स किया गया, मे बी वो हो सकता है वाली बात एग्जैक्टली. तो आई हैव टू नो लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि एक्चुअली क्या ना ये बहुत पॉइंट्स है एक्चुअली, इसके बहुत सारे वर्जन्स निकलेंगे कैसे क्या, जैसे जैसे मैं और पेपर्स पढ़ूंगा ना मे बी चीज़ें आती जाए वाली बात है. बट मैं गवर्नमेंट को हमेशा ये कहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट स्ट्रकअप है, क्योंकि मैंने सुपर टेक का सारा वो देख रहा था, मतलब आई हैव गॉन थ्रू लाइक 300-400 पेजेस अभी तक मैं जा चुका हूँ उनके, तो मैंने ये देखा कि कई प्रोजेक्ट्स एक तो 10-10 साल 15-15 साल डिले करने से क्या हुआ है कि मतलब चाहे बैंक है उनकी लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, इंटरेस्ट बढ़ गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2-3 गुना बढ़ गया, फिर आपके अथॉरिटी वाले का पेनल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो मेरा कहना है कि बायर्स की भी पेनल्टीज बढ़ गई, बट नेचुरल मतलब उसे मिलना नहीं है, पर एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट नॉन फिजिबल हो गया है. सो मैंने एक चीज़, इसलिए कोई ना थर्ड पार्टी आना नहीं चाहती प्रोजेक्ट बनाने के लिए. सो मेरा गवर्नमेंट को ये प्रपोजल था कि यार आप जो प्रोजेक्ट स्ट्रकअप है ना उस पे आप, क्योंकि इन इंटरेस्ट ऑफ एवरी बायर, क्योंकि क्या होता है कि सपोज एक प्रोजेक्ट में अगर 5 लाख रुपए पर बायर भी इकट्ठा हो जाए तो क्या पता वो प्रोजेक्ट फीजेबल हो जाए, तो थर्ड पार्टी आना चाहे, तो मेरे कहना इंटरेस्ट ऑफ द बायर कि सबका घर मिल जाए वाली बात है. अगर एस्केलेशन आता है तो गवर्नमेंट को
कर देना चाहिए वो चीज़ें, क्योंकि कहना, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बाहर के इंटरेस्ट में आपके 10 साल से प्रोजेक्ट अटका हुआ है, और 10% अगर प्रोजेक्ट एस्केलेशन देना पड़े या बहुत मिनिमम से एस्केलेशन देना पड़े डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन, तो मेरे हिसाब से वो जेन्युइन है एक्चुअली। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको आपको ये प्रोजेक्ट यू हैव बीन एट अ लॉस, पर एंड ऑफ द डे आप अगर 60-70-80% या 100% पैसे देकर बैठे और प्रोजेक्ट स्टक अप है फॉर एवर, तो यू आर एट अ ग्रेटर लॉस। सो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं एक्चुअली, ब्रिज किया जा सकता है। देखो नेचुरल सी बात है कि वो 100% लॉस तो आपका रिकवर कभी भी नहीं होगा, पर उसको ब्रिज किया जा सकता है उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि एक होता है ना वो सारी चीज़ें एक्चुअल में। तो ये तो मैं गवर्नमेंट को कहता ही हूँ, मतलब ऐसा कुछ रूल आप निकाल दो कि इन केस ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रक अप फॉर सर्टेन टाइम, प्रोजेक्ट पे एक नेचुरल एस्केलेशन देके इन इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर के उनको घर मिल जाए, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या हो रहा है कि जैसे सुपर टेक के केसेस में मैं देख रहा था कई प्रोजेक्ट नॉन फीजेबल हो गए हैं, उन्हीं का केस स्टडी है, बाकी मैंने नहीं किया। तो बेसिकल 4 प्रोजेक्ट्स फीजेबल थे, तो वहाँ तो LOI आ रही है लोगों की कि मतलब हम कंप्लीट कर देंगे, बना देंगे, थर्ड पार्टी आना चाह रही है प्रोजेक्ट्स में। बट बाकी जगह पे जहाँ पर इन्वेंट्रीज बहुत कम अवेलेबल है, जो रिकवरी है बहुत कम है, और दूसरी तरफ बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, नोएडा अथॉरिटी की बहुत ज़्यादा, या अथॉरिटी जो भी यमुना अथॉरिटी या फिर ग्रेटर, बहुत ज़्यादा ड्यूज़ है एक्चुअली। तो इस केस में जहाँ बहुत ज़्यादा ड्यूज़ है एक्चुअली, सो वहाँ पर कोई नहीं आना चाह रहा, तो उस केस में अगर आपको किसी को लाना है तो आपको इसी तरीके से लाना पड़ेगा कि मतलब लाइक सपोज मान लो कि कहने का ये मतलब है कि एस्केलेशन देना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है एक्चुअली, क्योंकि गवर्नमेंट अपना पैसा तो डालेगी नहीं, वो तो आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट मत करना। अगर गवर्नमेंट डाल दे तो बात अलग है, अदरवाइज दिस कैन बी द बेस्ट थिंग, और मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में सही है, मतलब हो सकता है चीज़ें। पॉइंट नंबर 10, वेदर एनी बैंक गारंटी बीन ओबटेन्ड फ्रॉम द प्रमोटर कंपनीज प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स, एंड इफ सो वेदर द जेन्युइननेस ऑफ, भाई क्या होता है, आप जब आप रेरा के लिए अप्लाई करते हो ना, तो यू नीड टू गिव अ सर्टेन बैंक गारंटी। अब वो कैसे देते हो, क्या देते हो, इसका मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं पता, पर आई एम स्टडिंग इट, बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा। बट यू हैव टू गिव सम बैंक गारंटी। बेसिकली यही माहिरा का आया था कि ये इन्होंने ना फर्जी बैंक गारंटी दे रखी है। सो मुझे लगता है कि अगर जांच हो तो इसमें हो सकता है और भी बिल्डर्स का है, क्योंकि माहिरा कोई फर्स्ट और एंड तो होगा नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है, जब प्रॉब्लम आती है तब सब झांकते हैं एक्चुअल में। सो इनका पोल खुल गया तो आ गया, पर अब इनसे सबकी मांगी है एक्चुअली। पहली बात तो अपने बैंक गारंटी लिए कि नहीं लिए, कि अगर ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो उस पर क्या किया जाए। अगर बैंक गारंटी लिए है तो भाई उसके जेन्युइननेस को देखने के लिए क्या किया, ये तो है नहीं कि पीस ऑफ पेपर आपने ले लिया पता लगे। मान लो मैंने आपको बैंक गारंटी 3 साल के लिए दे दिया, वो एक्सपायर हो गया, तो भाई उससे पहले रिन्यूअल के लिए आपने क्या किया। ऐसा भी तो हो सकता है हो गया रिन्यूअल, पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ों के लिए, क्योंकि देखो ये चीज़ों के लिए जागना बहुत जरूरी है, जिस दिन वो एक्सपायर हो रहा है उससे पहले पहले वो रिन्यू होना चाहिए, अदरवाइज तो वही वाली बात है, एक बार एक्सपायर हो गया और बिल्डर अगर कल को गायब हो गया तो हो गया, फिर आप कहाँ से निकालोगे सारी चीज़ें, फिर तो वही करता रहेगा, यहाँ से पैसे निकालेगा, वहाँ लैंड खरीदेगा, यही तो चीज़ें होती है एक्चुअली। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लेना। तो हु आर दी ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लैप्सेज, वेदर एनी एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट देम और नॉट। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि बिना ऑफिसर्स के ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर है तो यार उसको आपने कटघरे पे खड़ा किया कि नहीं, किया आपने, क्या एक्शन लिया नहीं लिया, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व, उनको हर जगह उनको बख्श दिया जाता है एक्चुअली, फंस जाते हैं लोग, पर एंड ऑफ द डे उनको भी टफ से टफ पनिशमेंट मिलना चाहिए मुझे लगता है। वेदर एनी पेनल एक्शन अंडर द अप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ द लॉ हैज़ बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट बिल्डर कम डेवलपर कंपनीज हुज बैंक गारंटी हैज़ नॉट बीन फाउंड टू बी जेन्युइन और हाईली इनएडुकेट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर। सेम लाइक माहिरा, क्योंकि यहाँ पर बैंक गारंटी जेन्युइन नहीं था। सो और भी होंगे, अथॉरिटी को तो पता ही होगा कि यार कौन से बैंक गारंटी जेन्युइन नहीं है। सो मुझे लगता है पब्लिक कर देना चाहिए एक्चुअली, तो उससे क्या होगा कि अगर उनके कोई नए प्रोजेक्ट्स आते तो लोग नहीं खरीदेंगे, और अगर सपोज या तो देवर इनजेन्युइन थे, एक तो इनजेन्युइन बैंक गारंटी हो कैसे सकता, इंडिविजुअल पर्सन आप सोचना कि इनजेन्युइन बैंक गारंटी कैसे हो सकता है आज के युग में, मुझे तो मैं क्या बोलूँ वाली बात एग्जैक्टली, इसमें तो बोलने में ही मुझे ना शर्म आता है एक्चुअल में, कि बैंक गारंटी जो करोड़ों की बैंक गारंटी, तो वो कैसे नकली हो सकती है आज के डेट में, तो 100 रुपये नकली नहीं हो सकते, इतना इंटरनेट के जमाने में बैंक गारंटी नकली हो सकती है, बताओ यार कैसे पॉसिबल है। या फिर इनएडुकेट है, बैंक गारंटी चाहिए कोई 10 करोड़ की दे दिया 1 करोड़ का, कई बार एफिडेविट डाल देते कि नहीं चलो 1 करोड़ हमने अभी दे दिया, 9 करोड़ हम 1 साल बाद दे देंगे, तो ऑफिशियल उस पर साइन कर देते हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो इनएडुकेट हुआ है, ठीक है, जो बैंक गारंटी रिक्वायर्ड होती है, तो सपोज मान लो मेरे कहने जो होम बायर के इंटरेस्ट के लिए आती है, आज सपोज मान लो माहिरा का प्रॉपर बैंक गारंटी होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती ना। सो अगर ऐसा था, सो इफ सो द डिटेल्स ऑफ सच केसेस एंड स्टेटस ऑफ द पेंडिंग ट्रायल्स मस्ट बी फर्निश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है पूरे हरियाणा में ना कम से कम 40-50 प्रोजेक्ट्स तो आ ही जाएंगे मुझे लग रहा है ऐसे करके। तो अगर इसके एक रिपोर्ट हम पढ़ लेंगे, हम बिल्डरों का नाम भी बता देंगे कहाँ कहाँ पर ऐसी इश्यूज आ रखी है आपको बता रहे हो क्या, ठीक है, और ऑफिशियल का नाम आता वो भी बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी जो भी है कि अगर ऐसा है तो क्या कर रहे हो नहीं कर रहे वाली बात एग्जैक्टली, ट्रायल्स का क्या चल रहा है। अब रहा बात पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 का ये सारा आंसर था विच वॉज 12, अब पॉइंट नंबर 2 में
4 वीक ऑफ टाइम दिया इनको देने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट आज हम 25 में बैठे हैं, तो एक दिन पहले का ये नोटिफिकेशन है, तो आज से 4 वीक मतलब 1 महीने बाद ये सारा कुछ जमा करना। तो जैसे ही आएगा मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ के समझा दूंगा। एक्चुअली ऑन पर्सनल ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, ये ईडी वालों के लिए है, ठीक है, कि वी डायरेक्ट देम टू फाइल फर्दर एफिडेविट टू एक्सप्लेन वेदर द डायरेक्टरेट हैज़ रजिस्टर्ड ECIR। ECIR का फुल फॉर्म ना बेसिकली होता है द इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो बेसिकली जैसे FIR होता होगा वैसे इनका जो मतलब काइंड ऑफ FIR होता होगा उसको कहते होंगे ECIR। सो आप उस तरीके से समझ लेना, जो आपने ECIR फाइल किया इन अदर सिमिलर केसेस ऑफ सच लाइक बिल्डर कम डेवलपर कंपनीज। तो ये पूरा मैं पढ़ू, तो ऑन पर्सनल ऑफ स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड बाई द डायरेक्टर वी डायरेक्ट देम टू फाइल अ फर्दर एफिडेविट टू एक्सप्लेन वेदर द डायरेक्टरेट हैज़ रजिस्टर्ड ECIR इन अदर सिमिलर केसेस सच। बेसिकली इनसे ये पूछ रहे कि यार आपने जो मुझे समझ में आ रहा है वाली बात एग्जैक्टली कि बेसिकल जो मुद्दे पे मतलब जिस चीज़ के लिए बेसिकली मुझे लग रहा है ऐसा कि ये जो माहिरा पे क्योंकि ईडी के भी केसेस चल रहे हैं, सो ऐसा जो केसेस चल रहा है तो बेसिकली ये मांगा है आपसे कि अगर इस तरह का कोई आपने जो भी मतलब इन पे FIR किया हुआ है ECIR किया हुआ है एक्चुअली, सो ऐसा सेम आपने और किस किस डेवलपर पे किया हुआ है एक्चुअल में, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप एक बलि का बकरा ही बना रहे हो। सो ये भी बहुत चीज़ है वेयर FI, क्योंकि कई बार लोगों को ये भी लगता है कि ईडी या हमारी ईडी थोड़ी सी वो है, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब लाइक पार्शल है तो ये चीज़ों का भी मतलब उसको जवाब देना एक्चुअली। वेयर FIR रिगार्डिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 406, 420, 467, 468, 417 ऑफ इंडियन पेनल कोड 187 एक्सेट्रा हैज़ बिन रजिस्टर्ड एट द इंस्टेंस ऑफ होम बायर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेदर ECIR हैज़ बिन रजिस्टर्ड ऑल सच केसेज, इफ सो लेट डिटेल ऑफ द ECIR टू बी फर्निश्ड। तो बेसिकली जो भी बिल्डर के ऊपर आपने ये सारा कर रखा है उसका सारा डिटेल चाहिए, सारे सेक्शंस आप पढ़ सकते हो वाली बात है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से देखो मैं आप ये सारे लोगों जो पिटिशनर्स हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने ये फाइल किया है, 100 होम बायर्स ने काफ़ी एफर्ट्स किया है, आई होप उनको अपना घर मिल जाए। और कुछ भी आता है मैं आपको बताऊंगा, पर इसका जो रिपोर्ट आएगा ना वो मैं पक्का बताऊंगा आपको। थैंक यू गाइज।